हेलो फ्रेंड्स, आज हम पराठे बना रहे हैं और बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप खाने में बनाइए, नाश्ते में बनाइए, बच्चों को दीजिए टिफ़िन बॉक्स में उनके, तो बड़ी खुशी से खाएंगे वो भी पराठे। तो ये आज हम मूंगी दाल के पराठे बना रहे हैं। हमने 200 से 250 ग्राम के लगभग मूंग की धुली दाल ले ली है और इसे अच्छे से हम धो लेते हैं। 2 से 3 वॉश इसे अच्छे से मलकर धो लीजिएगा और बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कम से कम 20 से 25 मिनट भिगो दीजिएगा तो अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि हम कुकर में नहीं खुले में बनाएंगे इसको। पराठों के लिए हम कढ़ाई में या भगोने में बना सकते हैं मूंग की दाल को, तो हम तमाम मसाले डालकर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है, ये मैंने 20 से 25 मिनट दाल भी भिगोई थी। तो सभी दाल हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे, आप चाहे भगोने में बना लें। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी, थोड़ा सा बढ़ा कर रखिएगा नमक, क्योंकि हम पराठों में ये दाल भरेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ये ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा अच्छा मज़ा आता है पराठों में। ये हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी हमने और डाल दी है, कम लग रही थी, आप जितना तीखा खाना चाहते हो डाल दें। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। आज हम हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आपके पास ना हो, आप काट कर लहसुन और अदरक दोनों छोटा छोटा कर चॉप कर डाल दीजिएगा। तो चला देंगे अच्छे से स्पून को और सारी चीज़ों को मिला देते हैं इस तरह से। बहुत मज़ेदार लगते हैं मूंग की दाल के पराठे, चने की दाल से भी कहीं अच्छे लगते हैं मूंग की दाल के पराठे, कचौरी। तो आज हम, बारिश का मौसम है और बहुत अच्छी बरसात हो रही है बाहर, तो हम आज पराठे बना रहे हैं, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। मैं तो अक्सर खाने में बना लेती हूँ, नाश्ते में बहुत हैवी हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चटनी से, इमली की चटनी से, केचप से, टोमेटो केचप से भी खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज वगैरह डालकर खाइएगा। तो यहाँ पर देखें दाल में बॉयल आने लगा है और हम अच्छी तरह से स्पून को चलाकर और थोड़ा सा ढक देंगे, साइड से हल्का सा खोल दीजिएगा, क्योंकि ये दाल उफनती बहुत है, सब लिड गंदा कर देती है। तो आप ध्यान से हाई फ्लेम पर इसको पकाइएगा, 3 से 4 मिनट बॉयल आने के बाद हाई फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा और फिर बिल्कुल सिम कर दीजिएगा गैस का फ्लेम और मीडियम लो आंच पर देखें पका लीजिएगा। मैं आपसे कह रही थी ना, लिड गंदा हो जाता है जब बॉईल आता है, तो हल्की सी उफनती ज़रूर है, आप देखिए साइड्स में मसाला इकट्ठा हो जाता है। कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से स्पून से मसाले में मिला दीजिएगा, अच्छे से साफ कर दीजिएगा इसको। और ठीक, हमने 15 मिनट बाद चेक किया तो आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी बढ़िया दाल बन गई। तो आपने पानी का अंदाज़ा बहुत ध्यान से करना है इसका, कि जिस पानी में आपने भिगोई थी दाल, तो बस उसमें ज़्यादा पानी रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एक कड़छी में देसी घी से इसको पहले भगाड़ दूंगी और फिर पराठे बनाऊंगी। तो मैं प्याज से भगाड़ूंगी और देसी घी से अगर ये दाल भगड़ती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। बारीक अच्छे स्लाइसेस कर प्याज़ों को घी में डाल दिया है और आप चाहे रिफाइंड ऑयल में भगाड़ दें, अगर आप देसी घी ना खाते हो या अवेलेबल ना हो तो। मैं देसी घी में हमेशा ये दालें बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इनका मज़ा। तो हम आधी प्याज डालेंगे, प्याज अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा, पराठों में भरने जा रहे हैं तो पराठों में टेस्ट आना चाहिए। तो मैंने आज पिसे गरम मसाले का यूज़ नहीं किया, वरना दाल में मैं थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा सा ढेर सारा हरी मिर्च, हरा धनिया ज़रूर डालूंगी चॉप कर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं पराठों वगैरह में। यहाँ देखें प्याज हमें बस इतना ही लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, तो हमने ज़ीरा डाल दिया 1/2 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा ज़ीरा चटक जाए इस तरह प्याज़ों के साथ, तो हम ये सब
दाल में भगार डाल देंगे। तो भगार ज़रूर कर कर बनाइएगा पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे ही भगार को अच्छे से पहले हम दाल में मिलाएंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज वगैरह सब एक साथ कर लेंगे दाल में। तो देखें अच्छे से दाल हमारी तैयार है और लगभग ठंडी हो गई है, तब हम पराठों में भरते हैं इसको। हल्की सी गुनगुनी है, कोई बात नहीं। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह पराठे बनाना है। दाल कितनी बढ़िया लग रही है ना, कलर कितना अच्छा आया है। हल्दी डालना ऑप्शनल है, मैंने आज हल्दी का यूज़ नहीं किया है। मैं वैसे हल्दी थोड़ी सी डालती हूँ, आज मैंने टोटली हल्दी स्किप करी है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि और मुझे बिना हल्दी के अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने ये नॉर्मल आटा जो रोटी का होता है ना वो लिया है, बिल्कुल उसी वही आटा है जिससे मैं रोटी बनाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ वही सेम आटा है। देखिए इस तरह से सेमी सॉफ्ट सा, आप जितना हार्ड लूज जैसा भी बनाते हो रोटी वाले आटे से बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं, उससे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे सॉफ्ट एकदम। तो हमने ये लोइयाँ इस तरह से बनाकर और इनके अंदर हम फिलिंग करेंगे दाल की। तो हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें और हाथ पर इस तरह देखें रख कर इस तरह थोड़ी स्पेस बना लेंगे और एक स्पून से टेबल स्पून भरकर एक मेजरमेंट बना लीजिएगा, बस इतना ही फिल करना है। तो आप दाल को इस तरह से दबा दबा कर और ये पेड़े को बंद कर लीजिएगा, और अच्छी फिलिंग लगती है ये। और इससे एक फ़ायदा ये है जब आप बेलते हैं तो सभी साइड्स में दाल अच्छे से पहुंच जाती है। तो देखें हम इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे और देखें ये अब हम बेलने की तैयारी करते हैं। इसी तरह बनाइएगा, आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और इस रेसिपी से बनाइएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो हम इस तरह से बहुत बारीक नहीं बेलेंगे, पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी बहुत मोटे पराठे भी खाए नहीं जाते, अंदर से कच्चे रहते हैं, सिक नहीं पाते। बस देखें इतनी थिकनेस हमें रखनी है पराठों की, आपकी चॉइस है। आप बहुत बड़े बनाना चाहें बहुत बड़े, और मीडियम साइज़ बनाना चाहें तो मीडियम साइज़। मैं मीडियम साइज़ पराठे बना रही हूँ। तो देखें स्पून से थोड़ा सा दाल को दबा दीजिएगा, थोड़ा स्पेस बनाइएगा पेड़े में, और उसके बाद दाल भर दीजिएगा और इस तरह से फोल्ड्स देते हुए इसको बंद कर दीजिएगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखें बस। और इस तरह ये हमारा एक पेड़ा फिलिंग किया हुआ तैयार है, और अब हम बेल लेंगे और उसके बाद हम सारे ही इस तरह तैयार कर लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलूँगी, पतला नहीं बेलूँगी। तो देखिएगा बहुत अच्छे से, देखिए उसी आटे से पराठे हम बना रहे हैं जो रोटी का होता है। आप देख सकते हैं कितनी ट्रांसपेरेंसी हमारी ये नज़र आ रही है स्टफिंग। तो देखें हमने सारे ही पराठे तैयार कर लिए। चलें अब इनको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। एक हमने पैन रख दिया है, नॉन स्टिक तवा जिसे कहते हैं वो रख दीजिएगा, और उस पर हाई फ्लेम पर सेकिएगा। और बहुत अच्छे से हम बिल्कुल लाइट ब्राउन से इन्हें सेकेंगे। आप देख सकते हैं बस इतने ही पतले हमें बनाने हैं, न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले। तो एक सी आप देख सकते हैं फिलिंग नज़र आ रही है बेलने में। तो ये स्टफिंग किए हुए पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा आपके पराठे कैसे बने। कभी कभी हम दाल बनाकर भी रख देते हैं फ्रिज में, और सुबह में अगर हमें जब जल्दी होती है, कहीं ऑफिस जाना है, बच्चों को देना है, या जल्दी है लंच बनाने में, तो हम फटाफट से दाल निकाल कर और गूंदा हुआ आटा जो होता है, गुथा हुआ हमारी रोटी वाला, हम उसमें आराम से, मैं तो इन्हीं यही रोटी वाले आटे के पराठे बनाती हूँ। बहुत सॉफ्ट, यकीन मानिए बहुत सॉफ्ट बनते हैं, आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सॉफ्ट से और कितने बढ़िया से पराठे हमारे सिक रहे हैं।
चित्ती देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया, और फिलिंग देखिए कितनी सब तरफ एक सी नजर आ रही है। तो बस फटाफट से इस तरह सारे ही पराठों को हम बेल कर और सेक लेंगे। मैंने क्या किया था, बेल कर रख लिए थे एक प्लेट में, तो वो मुझे इजी लगते हैं। बस अब इनको एक साथ हम वन बाय वन सेक लेंगे। वाओ कितने बढ़िया पराठे लग रहे हैं, आ रहे हैं ना मुंह में पानी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मूंग की दाल के पराठे लगते भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सौंदर्य लगते हैं और बिल्कुल भारी नहीं होते हैं, आपको हैवीनेस नहीं होती है किसी भी तरह की, और लाइट रहते हैं। आप इन्हें नाश्ते में भी खा लें तो बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में सुबह के, बहुत बढ़िया। सभी पराठे हमने तैयार कर लिए, तो आप हरी चटनी से भी खा सकते हैं, हरे धनिए की, पुदीने की, और अगर आपके घर में इमली की चटनी हो तो उससे बहुत अच्छे लगते हैं, और ना हो तो आप टमाटो केचप से खाइएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। ओके, थैंक यू।